छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर में भी कोरोना वायरस विकराल रूप ले चुका है। 24 घंटे में रायपुर में 205 नए मरीज मिले, जिसमें अधिकांश मरीज भाटागांव के और 18 मरीज शदाणी दरबार के हैं। राजधानी का भाटागांव क्षेत्र कोरोना से सबसे प्रभावित इलाका माना जा रहा है। इस इलाके में हर दिन बड़ी संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं। पूरे इलाके को सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए गली मोहल्ले में निगरानी भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात करें राजधानी रायपुर की, तो यहाँ पर भी कोरोना एक विकराल रूप ले चुका है। आए दिन एक कोरोना संक्रमित मरीजों की एक चौंकाने वाले आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं। अगर बात करें बीती रात रायपुर की, तो प्रदेश में 371 मरीजों के साथ राजधानी रायपुर में 205 मरीजों का पहचान की गई है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि राजधानी रायपुर का भाटागांव क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त यहां पर है। इसके संपर्क में आए हुए क्षेत्र जितने हैं भाटागांव के, सभी क्षेत्र इस वक्त कोरोना संक्रमित की चपेट में आ चुके हैं। इसके साथ ही यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन द्वारा यहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद लॉकडाउन की अवधि में जो 6 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक का लोगों का निकलने का टाइम है, उसके बाद यहाँ पर लगातार पुलिस के जवानों द्वारा कड़ी पहरेदारी की जा रही है। आने जाने वालों को रोका जा रहा है। किन कारणों से निकले हैं, किन काम के लिए निकले हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब देखना ये होगा कि जो लॉकडाउन लगाया गया है राजधानी रायपुर में, जो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, किन कारणों से कि जो कोरोना का जो श्रृंखला है, जो कोरोना संक्रमण की श्रृंखला है, इसे रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, कितना प्रभावी ढंग से काम करता है। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ शिवम मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।